Okay, children, we are discussing the applications of Ampere circuit law, and the Ampere circuit law is used to find the magnetic field due to the current carrying conductors of different shape. So we have just already derived two expressions, or we have discussed two applications of Ampere circuit law. That is, first is the magnetic field due to infinitely long current carrying conductor, thin conductor, and second one is the magnetic field due to a current carrying thick conductor. Okay, these two derivations we have already done. Now we come to the third application, magnetic field due to a current carrying long solenoid. अब हम इसमें सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं. पहले हमने इसमें जो कैलकुलेट किया है वो किसकी वजह से किया है, स्ट्रेट कंडक्टर, थिन कंडक्टर, इनफाइनाइटली लेंथ कैरिंग करंट, सेकंड थिक कंडक्टर, इन केस ऑफ थिक कंडक्टर आउटसाइड एंड इनसाइड, एंड थर्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं ऑन द सोलेनोइड. सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोलेनोइड. A solenoid is nothing but it is a long insulated wire which is bent in the form of helix. अगर कोई long insulated wire कर दे, कोई wire है उसको insulate करके बाहर से cover करके उसको क्या कर दे बच्चों, एक helix की form में bent कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, that is known as solenoid, जिसको आप spring भी कहते हैं. जो स्प्रिंग कहते हैं दैट इज बेसिकली क्या है, इट इज ए सोलेनोइड. तो हम कोई मेटल लेते हैं, इसमें कोई मेटेलिक वायर लेते हैं, और ये कोई मेटेलिक वायर है, और इस मेटेलिक वायर में देखिए हम इस तरीके से इसको बना रहे हैं, और ये जो बनेगा व्हाट इज दिस इज ए सोलेनोइड, एंड सपोज आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, ये सोलेनोइड होगा. तो सोलेनोइड क्या है बच्चों, सोलेनोइड क्या है, इट इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ठीक, हेलिक्स, दिस इज ए सोलेनोइड. तो दिस स्ट्रक्चर इज सोलेनोइड, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करना है. द क्वेश्चन अराइजेस कि मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां पर, किधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब हम डेराइव करेंगे. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है. अगर इसमें आई करंट है तो देखिए जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर हम कर रहे हैं. बताइए यहां जो पहला सर्कुलर लूप बनेगा उसमें ये वाली करंट कौन सी बनी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी बनी, ये जो डायरेक्शन है करंट की वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है. और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पढ़ के आए, जिस साइड में क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, इसमें ये पोल बनता है, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है उसमें ये पोल बनता है, यानी कि कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल. तो यानी कि यहां जो मैग्नेटिक पोल बनेगा कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल. एंड इन अपोजिट साइड हम जानते हैं कि जब हम इधर से करंट देखते हैं क्लॉकवाइज है, तो उसके अपोजिट साइड से देखने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज लगता है. तो बेसिकली इधर कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल. तो इधर ये साउथ पोल बनेगा, इसका ये नॉर्थ पोल बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, सोलेनोइड. और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस पासिंग थ्रू इट. हमने एक स्ट्रक्चर का पढ़ा है, एक सर्कल का पढ़ा है. बताइए जो सर्कुलर कॉइल होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई सर्कुलर कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, एक साइड से एंटर करेगा दूसरे साइड से एमर्ज आउट होगा. तो इसके अंदर जो पैरेलल लाइंस बनेगी, अंदर पैरेलल लाइंस जो बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी. नंबर वन. सेकंड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस. अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड के दो कारण है. अगर इधर से देख रहे हैं तो करंट किधर है, डाउनवर्ड, और इसके दूसरे वाले वायर में किधर देख रहे हैं, अपवर्ड. तो ऊपर जो आपके जिस तरह से ये सर्कुलर फॉर्म में बेंट करते जाते हैं, अगर एक साइड की लेंथ ऑफ द कंडक्टर रिज्यूम करते हैं तो करंट नीचे की तरफ है, और दूसरे वाले में किधर है, अपोजिट है. इट मीन्स यहां करंट इसमें जो लूप होगा नेक्स्ट वाले में अपोजिट होगा, इसमें जो होगा नेक्स्ट वाले में अपोजिट होगा. और हम जानते हैं राइट हैंड पाम रूल से या राइट हैंड थम रूल से, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर. तो यानी कि यहां दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से आउटसाइड दिस द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी नेगलिजिबल. ठीक है, वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसीडर किया कि जब हमने किसी सोलेनोइड को कंसीडर करते थे, सोलेनोइड को हमने स्टडी किया, जब करंट फ्लो करेगा इसमें से, द मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनोइड. इसको कोर कहते हैं बच्चों, द कोर ऑफ द सोलेनोइड इन द फॉर्म ऑफ द पैरेलल लाइंस अक्रॉस इट, एंड जस्ट आउटसाइड और आउटसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम वेरी वेरी वीक और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और अप्रोक्सीमेट टू जीरो. इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मान सकते हैं, नेग्लिजिबल है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, जीरो मान सकते हैं. केवल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लाई करेगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ. और जो हमने बायट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे कि सर्कुलर कॉइल में जिधर करंट क्लॉकवाइज होता है उधर मैग्नेटिक फील्ड
एंटर करता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, उधर से एमआर आउट होता है, इधर क्लॉकवाइज है तो इधर से एंटर करेगा, और इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एमआर आउट होगा, तो ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमें डेरिव करना है, तो सबसे पहले हम मान लीजिए लेट अस कंसीडर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, जो सोलेनोइड हमने माना है, सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कितनी है, एल है, और अगर हम इसमें एल इज लेंथ ऑफ सोलेनोइड ले लें, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, देन स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, वेयर कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए वन टर्न है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल टर्न्स इसमें, और इसकी टोटल लेंथ कितनी मानी है आपने, एल। और देखिए लॉन्ग कंडक्टर का मतलब ये होता है द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस लेंथ विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस एल, सो इट इज अ लॉन्ग कंडक्टर हुज डायमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ फॉर विच यू आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, this is n number of turns per unit length, n upon l, और I क्या है इसमें, I क्या है इसमें, current flowing, current flowing, the I is current flowing in the conductor, in the conductor, okay। अब चलिए अगले step पे आते हैं, हमें तो ampere circuit law लगाना है। ampere circuit law की पहली requirement क्या है, imagine करना, क्या imagine करना, closed path, और देखिए इसमें जो closed loop आप imagine करेंगे, the closed loop will be like this in the form of a rectangle P Q R S, let L is the length and P Q R S is a rectangular loop. So imagine a rectangular loop. कौन से वाला, P Q R S, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में, ऑफ साइड P Q is equal to L. Obviously ये L हो जाएगी, तो R S भी कैसे हो जाएगी, L हो जाएगी, तो ये लूप आपने कंसिडर किया, ठीक है। अब ये लूप क्या करता है, दिस लूप एनक्लोज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये लूप नंबर ऑफ टर्न्स को एनक्लोज करेगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, अब पहला स्टेप पूरा हो गया, एक स्टेप पूरा हो, कौन से वाला स्टेप, जिसमें क्या इमेजिन करते हैं, क्लोज लूप। अब इस क्लोज लूप में क्या निकालना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। नाउ इंटीग्रल बी डॉट डी, बताओ कितना होगा इंटीग्रल बी डॉट डी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और यहां से यहां तक पी क्यू जो लेंथ है इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसे आएगी, सेम आएगी कि नहीं, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है देन इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डी एल, और जो इंटीग्रल बी डी एल आया है आपका, तो बताइए कितना आ जाएगा। अच्छा ये तो एक स्टेप का है, कौन से वाले स्टेप का है, पी से क्यू का है, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम इट इज पी टू क्यू, ये तो टोटल लेना था आपको, कौन से वाला लेना था, पी क्यू आर एस पी, देखिए पूरा लेना था आपको इंटीग्रल, पूरे क्लोज लूप का लेना था, तो पहले क्या लिया आपने, पी से क्यू तक लिया बी डी एल कॉस जीरो, उसके बाद आप नेक्स्ट लो कौन से वाला लेंगे, क्यू टू, कौन सा लेंगे, आर बी डी एल कॉस, बताओ कितना हो जाएगा, 90, क्यों हो जाएगा 90, लेंथ होगी ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना हो गया 90, व्हाट अबाउट दिस आर टू एस, फ्रॉम आर टू एस मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, वाई ऑलरेडी वी हैव डिस्कस आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, फिर बता देते हैं एक बार रीजन, जो इधर से नीचे की साइड में करंट है और दूसरे वाले लूप का करंट है, दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये वाला करंट है तो आउटसाइड होगा, दूसरे वाले की वजह से किधर होगा, इनसाइड, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नेगलिजिबल हो जाएगा। इस वाली टर्म आर टू एस का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जीरो, और एस टू पी में फिर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, जब आप एस टू पी में लोगे 90 डिग्री तो बी डी एल कॉस 90। अब देखिए ये भी जीरो हो गया, ये ऑलरेडी जीरो है, ये भी जीरो हो गया, एक टर्म बचेगी आपके पास, कौन से वाली टर्म बचेगी, बी डी एल कहां से लेके, पी टू क्यू, और बी इंटीग्रल डी एल पी टू क्यू, और पी से क्यू तक की टोटल लेंथ कितनी है, बी इंटू एल है, सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या डायरेक्ट कर लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कौन से वाला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर द क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस पी, इस पूरे का निकाल दिया आपने। फिर बता देते हैं चार रेक्टेंगुलर पाथ में पी क्यू साइड बनेगा, क्यू आर बनेगा, आर एस बनेगा, एस पी बनेगा, ये एनक्लोज करेगा, किसको एनक्लोज करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो पहले हमने पी क्यू का निकाला, पी क्यू में मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर हम यहाँ क्यू आर ले रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल 90, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और ये वाली साइड कितनी है 90, एक साइड बचेगी। अब जरा इसका दूसरा पार्ट देखिए, व्हाट इज टोटल करंट,
टोटल करंट किसमें से फ्लोइंग थ्रू दिस लूप ऑल द, अब इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना होगा, आई इज द करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, लेट्स ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय दिस क्लोज लूप, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहां से ये कवर करेगा और एक टर्न का करंट हमारे पास है तो सिंगल टर्न के करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा। इसको करंट थ्रेडिंग भी कहते हैं, इसको नेट करंट भी कहते हैं, नेट करंट थ्रू द क्लोज लूप। ये कैसे होगा, इसमें पहली बार इसकी जरूरत पड़ रही है, तो देखिए इसको हम ये लेंगे बच्चों, आप क्या लेंगे, देखिए बाई एम्पियर सर्किट लॉ, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या बनेगा, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, देखो क्या बनेगा, आई कितना बनेगा, एन क्या है, स्मॉल एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है लूप की, एल, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर कवर्ड बाय द लूप, एन इनटू एल, एंड व्हाट इज करंट इन ईच टर्न, आई, सो व्हाट इज टोटल करंट, एन एल, तो हो गया टोटल नंबर ऑफ लूप, और एक में करंट कितना है आई, सो एन एल इनटू आई इज द टोटल करंट और द नेट करंट कवर्ड बाय दिस लूप, और द इट इज कॉल्ड करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। इस लूप में कितना करंट थ्रेड होता है, कितना नेट करंट बनता है, एक टर्न का करंट है आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे इसमें एन इंटू एल, एन नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ के हैं, एल इसकी टोटल लेंथ है, और यहां से अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एल आई, एल से एल कट जाएगा और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन को अभी हमने लिखा था एन अपॉन एल आई, ये फॉर्मूला बनेगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द कोर ऑफ द सोलेनोइड, इट इज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, it is in terms of total number of turns divided by length, and what is mu naught, this mu naught is permeability, absolute permeability of free space, it means there is no magnetic material kept inside it, कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, एयर कोर सोलेनोइड है, हवा है, यस में वैक्यूम है, फ्री स्पेस में आप ले रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला जनरेट होता है, डेराइव होता है, और अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें बच्चों, नियर वन एंड, इसके स्टार लगाइए, नियर वन एंड ऑफ द कंडक्टर, वन एंड ऑफ सोलेनोइड, नॉट कंडक्टर, सोलेनोइड, नियर वन एंड मीन्स देखिए यहां साउथ पोल बनेगा, यहां कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और यहां मिड में कौन सा है, यहां तो दोनों की वजह से हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ पोल की वजह से तो ये डायरेक्शन, और नॉर्थ की वजह से कौन सी डायरेक्शन, ये होगी, तो दोनों का सम होगा एक तरह से, और जब आप साउथ पोल का या नॉर्थ पोल का निकालेंगे किसी एक साइड में तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, हाफ हो जाएगा, इट विल बिकम हाफ दिस वैल्यू, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नियर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, नियर आइदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों जगह कितना आएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज इन द सेंटर इन द मिडिल द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ द पोल्स और ड्यू टू द एंटायर सोलेनोइड, एंड नियर दिस वन एंड ओनली ड्यू टू साउथ पोल, नियर दिस एंड ड्यू टू ओनली नॉर्थ पोल, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो सकता है, इफ अ मैग्नेटिक मेटीरियल इज कैप्ट इनसाइड इट, मैग्नेटिक मेटीरियल इज kept inside it, और कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल ले, वो मैग्नेटिक मटेरियल ले जिसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो म्यू आर है, या उसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू और कितना हो जाएगा एन आई, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन आई, म्यू नॉट क्या है इसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू आर क्या है इसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी म्यू क्या है परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब मान लीजिए इसके अंदर आप आयरन लोड रख दें, यहां आपने आयरन लोड कर दिया, आयरन की जो म्यू आर की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास होती है, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर का वो बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, 1000 times हो जाएगा, तो एक तो करंट पे डिपेंड करता है आई पे कितना करंट होगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, देखिए म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कितने हैं उस पे भी डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट पर भी डिपेंड करेगा, अगर इसके अंदर हम कोई रख देंगे मैग्नेटिक मटेरियल तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, और अगर कोई इसमें आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन रखते हैं तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का ये काफी बढ़ जाएगा, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, और आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1000 होती है, तो 1000 times मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकता है, तो इस तरीके से वेरिएशन कर सकते हैं हम, किसका वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड। कम टू द लास्ट एप्लीकेशन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड। अब हम एक और डिवाइस ले रहे हैं, इसको कहते हैं टोरॉइड। नाउ व्हाट इज टोरॉइड,
देखिए बेसिकली टोरॉइड इज नथिंग बट इफ एन इंसुलेटेड वायर इज बेंट ऑन अ होलो रिंग देन इट इज अ टोरॉइड। या ये कहिए कि जो अभी हमने सोलेनोइड बनाया, इस सोलेनोइड को अगर सर्कुलर फॉर्म में बेंट कर दें, देखिए ये है आपका, ये सर्कुलर फॉर्म में, यहां से आप ये लें, ये सोलेनोइड था और इसको सर्कुलर फॉर्म में बेंट कर दें, क्या बन गया, ये टोरॉइड बन गया, दिस इज ए टोरॉइड, ये टोरॉइड टोरॉइड बन जाता है, ये टोरॉइड हो गया। इधर से हमारे आई करंट है, इधर से कितना करंट है आई, और ये इसका इनर रेडियस है, ये कौन से वाला आउटर रेडियस है, और ये जो बीच वाला है कौन से वाला है आर है, ये सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस कितना हो गया आर हो गया, और इसकी वजह से निकालना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। अगेन द सेम एग्जांपल, कहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, ये पॉइंट भी जस्ट आउटसाइड आउटसाइड मान लिया जाएगा, ये पॉइंट भी आउटसाइड में आएगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, यहां मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, क्यों होगा, अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, तो इसमें इंसुलेटेड वायर को कोई होलो रिंग ले और उस रिंग के ऊपर क्या करें, इस तरह से वाउंड कर दें सर्कुलर फॉर्म में, तो क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट कहां पे लाई करेगा, टोरॉइड में, द मैग्नेटिक फील्ड विल एग्जिस्ट कहां पर, इनसाइड द कोर, इसके कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के कोर में एग्जिस्ट करेगा। चलिए डेराइव करते हैं फॉर्मूला। अब बताइए इसमें जो लाइन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, सर्कुलर बनेगी, और अगर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे इधर साउथ पोल बनता है, इधर कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लोगे आप यहां ले लीजिए, तो यहां किसी भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट बनेगा और यही मैग्नेटिक फील्ड की क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी। तो यहां से आर डिस्टेंस जो आप मान के चल रहे हैं बच्चों, तो ये डीएल की डायरेक्शन और यही डायरेक्शन किसी होगी बी की, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, बताओ समझ आएगा नहीं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में कैसा था, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, अब आपने क्या बना दिया, रिंग, रिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी किस फॉर्म में होंगे, सर्कुलर, और सर्कुलर पे टेंजेंट के अलोंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग टेंजेंट होगी, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया, बेसिक कंडीशन वही है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, तय हो जाएगी कि नहीं। अब इस रिंग की कितनी लेंथ है, रेडियस आर का रिंग है ये, तो कितना बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। अप्लाई कर दीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, इस लूप को एम्पीरियल लूप भी कहते हैं, एम्पियर ने जो लूप बनाया इसको एम्पीरियल लूप भी कह देते हैं। इसमें एम्पियर लूप कौन से वाला लिया, ये लिया सर्कुलर लूप, दिस वी हैव इमेजिन दिस सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ, दैट इज द एम्पीरियल लूप, जिसपे हमें बी डॉट डीएल निकालना है, तो इसमें बी डॉट डीएल कितना आएगा बच्चों, और ये कहां पे निकाल लेगा आप, इनसाइड द कोर निकाल लें, ये देखो इनसाइड द कोर है, केस फर्स्ट कर सकते हैं, केस फर्स्ट कहां पर, इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड इसे कोर कहेंगे, कौन से वाली कोर, ये बताया हमने, ये वाली जो कोर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बताइए बी डॉट डीएल कितना आ जाएगा, बी डीएल कॉस जीरो, और ये आएगा बी इंटीग्रल डीएल, और इंटीग्रल डीएल कितना हो गया, 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट कह दीजिए, सेकंड कह दीजिए, b into 2 पाई r, टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, 2 पाई r होगी, कैसे आया, देखो ये टोटल dl तो स्मॉल एलिमेंट है, और टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r होगी। अब इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, अच्छा ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, जरा राइट हैंड साइड में रखो, राइट हैंड साइड में क्या होगा, b into 2 पाई r किसके इक्वल होना चाहिए, यही तो लॉ पढ़ा आपने, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई कितना होगा, आई को हमने कहा क्या, कहा नेट करंट, आई को कहा हमने नेट करंट, कौन से वाला नेट करंट, किसके थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू द क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ में नेट करंट लेना होगा। अब देखिए क्लोज पाथ को पूरा सर्कल है, ये है क्लोज पाथ, अब इसमें नेट करंट कितना होगा, आई इज द करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, और इस क्लोज पाथ ने कितने नंबर ऑफ टर्न्स कवर किए हैं वो आप निकाल लीजिए, यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहां से म्यू नॉट और i की जो वैल्यू रख रहे हैं, बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कितने हैं n, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर, और एक में करंट कितना है ईच लूप में i, ये बनेगा 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n i, म्यू नॉट, सेम वही फॉर्मूला आया।
अच्छा डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, जहां लेंथ एल ले रहे थे ओरिजिनल में, अब वो सर्कुलर फॉर्म में एल किसके इक्वल हो गया, 2 पाई आर के इक्वल हो गया, तो यहां आपने क्या लिया इसको 2 पाई आर। एक बार फिर बताते हैं, व्हाट इज एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, एन इंटू 2 पाई आर, मीन्स दीज आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द एंटायर टोरॉइड एंड मल्टीप्लाइड बाई आई, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना कवर किया है किसने, रिंग ने जो कवर किया आर रेडियस के रिंग ने, जो हमने इमेजिन किया था क्लोज लूप, उसकी वजह से ये नेट करंट होगा, जिसको करंट थ्रेडिंग भी कह देते हैं। फॉर्मूला बनेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला बनेगा। केस सेकंड, ये तो हो गया केस फर्स्ट, केस सेकंड आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड टोरॉइड, आउटसाइड टोरॉइड बी कैसा बताया हमने, नेग्लिजिबल बताया, तो जीरो हो जाएगा। केस थर्ड, इन द एम्प्टी स्पेस कवर्ड बाई टोरॉइड, कौन से वाला एम्प्टी स्पेस है, ये देखो ये एम्प्टी स्पेस है कवर्ड बाई द टोरॉइड, यहां भी बी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्यों आएगी बी की वैल्यू जीरो, इस कोर के रेस्पेक्ट में ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जीरो इन द सेंस नेग्लिजिबल होगा, जिसको जीरो मान सकते हैं, और यहां मैग्नेटिक फील्ड जो कोर के अंदर होगा कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई आएगा इसमें, और एन यहां से आप निकाल सकते हैं, कितना एन होता है, एन अपॉन टू पाई आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा देखिए, कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपको ये नहीं दिया होगा आर, आपको इनर और आउटर रेडियस दिए होंगे, ये देखिए इसमें देते हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आएगी, If R1 and R2 are inner and outer radii of toroid, inner and outer, then अब R कितना लोगे बच्चों, then R तो हमें मीन लेना है दोनों का, कितना कर देंगे, R1 plus R2 by 2, अगर अंदर का R1 है, ये तो मान लीजिए यहां से यहां तक का दिया हुआ है, कितना है यहां से enter से R1, और यहां से बाहर तक का कितना है R2, तो R कितना होगा, R1 plus R2 divided by 2, that will be R, और R की वैल्यू यहां रख देंगे, ये इसका तरीका होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ निकालने के लिए, that is total number of turns divided by the total length, that is equal to 2 by R, so this is the derivation of मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड कैरिंग करंट। तो पहले सोलेनोइड में निकाला, सोलेनोइड समझा आपने, सबसे पहले स्टेट वायर में निकाला, स्टेट वायर को हमने लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर स्टेट वायर का क्या बनाया, सोलेनोइड बनाया, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया, फिर उस सोलेनोइड को हमने रिंग बना दिया, फिर क्या बन गया, टोरॉइड बन गया, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, सबके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी, और इसमें जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, अलोंग दिस, कौन सी लाइन है, सर्कुलर लाइन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बेसिकली तो तीन ही एप्लीकेशन थे, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, सेकंड इज द सोलेनोइड, थर्ड इज द टोरॉइड, एक और हमने बढ़ा दिया जिसमें एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स थी, उसको हमने सेकंड एप्लीकेशन में मर्ज कर दिया है, और वो हो गया आपका ड्यू टू अ थिक कंडक्टर, ये बन गया। तो इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया।